बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महाराष्ट्र के रेडी रेकनर दरों में भारी बढ़त, कुछ जगहों पर 40% तक इजाफा। मंदी से जूझते रियल एस्टेट उद्योग को धक्का, सरकार का दावा कि फैसले से काला धन हटेगा। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और भूकंप के दौरान कितनी सुरक्षित हैं हमारी इमारतें और कितने कारगर हैं उनके लिए बने कानून। सरकार और रियल एस्टेट बाजार की पुरानी लड़ाई है रेडी रेकनर दरों की, या जिन्हें दिल्ली में सर्कल रेट्स भी कहते हैं। महाराष्ट्र में रेडी रेकनर दरों में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में नई सरकार से कई उम्मीदें लगाए बैठे रियल एस्टेट सेक्टर के माथे पर शिकन आ गई है। महाराष्ट्र में 3 महीने पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता की बागडोर संभाली तो रियल एस्टेट सेक्टर में उम्मीद जगी थी, लेकिन 3 महीने में ही वो उम्मीदें कुछ मायूसी में बदल गई हैं क्योंकि सरकार ने राज्य भर में रेडी रेकनर दरों में भारी इजाफा किया है। बिल्डरों का कहना है कि वैसे ही कम बिक्री हो रही है और नए फैसले से हालात बदतर हो जाएंगे। एकदम कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल हो ही नहीं रहा है क्योंकि गवर्नमेंट करीबन 5% रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रही है, स्टैम्प ड्यूटी ले रही है, देन दे आर चार्जिंग वेट 1%, दे आर चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑल्सो, ये सब मिला के 11% हो रहा है। अब 15% अब ये और बढ़ा रहे हैं, जबकि पिछले 2 साल में, 2-3 साल में कोई कहीं रेट किसी बिल्डर का नहीं बढ़ा है। रेडी रेकनर राज्य सरकार की वो गाइड है जिससे इलाकों की प्रॉपर्टीज की दरें तय होती हैं। हालांकि इन दरों की हर साल समीक्षा की जाती है, लेकिन हाल में हुए इजाफे ने सबको दंग कर दिया। सबसे ज्यादा इजाफा वर्ली और BKC के कुछ क्षेत्रों में हुआ जहां 40% तक दरें बढ़ी हैं। इन दरों से स्टैम्प ड्यूटी और FSI पर लगने वाले प्रीमियम पर भी सीधा असर पड़ेगा और न सिर्फ प्रति वर्ग फुट दाम बढ़ेंगे बल्कि स्टेयरकेस प्रीमियम जैसे खर्चे भी देने पड़ेंगे। BMC ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ये बढ़त मौजूदा बाजारों की दरों का सही मूल्यांकन है। रेडी रेकनर कार्य पद्धति मौजूदा बाजार के हालात की सबसे सही तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों को जमा करके उसका आकलन करने के बाद ही ये बना है, इसलिए बाजार का सही आईना है। रियलिटी ऑफ द मार्केट। सरकार ने कहा कि प्रॉपर्टी की आधिकारिक और बाजार की दरों में अंतर घटने से सेक्टर में काला धन भी कम होगा। अब प्रॉपर्टी के सौदों में नकद का हिस्सा कम होगा जिससे काले धन की गुंजाइश घटेगी। ये सरकारी टैक्स और बाजार से काला धन हटाने का तरीका भी इसलिए अच्छा कदम है। अगर रेडी रेकनर कुछ अंक ऊपर भी जाता है तो कारोबार में ईमानदारी आएगी। ऐसे कई सुधारों की रियल एस्टेट सेक्टर में जरूरत है और इनसे खरीदार का ही फायदा है। जानकार मानते हैं कि शुरू में मांग पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये आइंदा बाजार के लिए फायदेमंद होगा। ये चीज जो है ये सिर्फ एक इंटरिम चीज है। आने वाले दिनों में रेडी रेकनर्स अगर उतने ही रहेंगे और कोई रिविजन नहीं होगा, कुछ समय के बाद जो लोग फेंस सिटर्स हैं उनको अगर वो डील करनी है वो कुछ दिन वेट करेंगे, उसके बाद वो अपने इंतजाम करने के बाद वो ये डील्स करेंगे। मुंबई से अंकिता सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV। तो क्या वाकई में इसका असर पड़ेगा प्रॉपर्टी बाजार पर या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं JLL इंडिया के, और राजेश पी वर्धन हैं जो कि MD हैं वर्धमान ग्रुप के। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत मोहम्मद आपसे करना चाहेंगे कि हमने सुना म्युनिसिपल कमिश्नर को कहते हुए कि ये करेंट मार्केट सिचुएशन यानी कि वर्तमान स्थिति जो बाजार की है उसी का एक प्रतिबिंब है, तो क्या आप मानते हैं कि अभी ज़रूरत थी वाकई में इन रेडी रेकनर रेट्स को बढ़ाने की? देखिए, हम बिल्कुल मानते हैं कि हाँ, जिस तरह से हमेशा हर साल हम लोग रेडी रेकनर को एक बेसिस मानते हैं जिसके बेसिस पे सौदे होते हैं मार्केट में, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये स्टेप ज़रूरी रहता है, लेकिन अब इस
इस जो मार्केट अपना अपना चल रहा था अभी, उसमें मुझे लगता है कि ये स्टेप अगर हम इसको थोड़ा सा डिले करते या एक साल का डिले करते तो शायद मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाता था। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि जो मंदी का माहौल चल रहा था, इनफैक्ट हम लोग जो अपने कस्टमर्स को इतने दिनों से एडवाइस कर रहे थे कि हाँ इन्फ्लेशन अभी एकदम डाउन है, जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं इकनॉमी रिवाइव हो रही है, और अभी जो आने वाला टाइम है वो डेफिनेटली होम बायर्स के लिए अच्छा है और वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सडनली जो रेडी रेकनर का बात आया है, तो क्या होता है, कॉमन मैन जो होता है वो सिर्फ पेपर में पढ़ता है कि पेपर में उसे क्या दिख रहा है, तो उनको अभी ये दिख रहा है कि अरे सडनली मुझ पर ये बर्डन और आ गया है जो मुझे 15% तक और मेरे कॉस्ट में इजाफा हो गया है। तो उनके लिए ये चीज़ एक जो उनका डिसीजन बिल्डअप हो रहा था उसके लिए थोड़ा सा एक धक्का हो जाता है। तो क्या होता है कि जो एक रिवाइवल की उम्मीदें थीं, वो मैं ये नहीं कहता उसे इससे बहुत बड़ा धक्का होगा, ये पीछे चला जाएगा, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा डिले हो जाएगा। वापस जो एक सिचुएशन थी वेट एंड वॉच की, और डेफिनेटली अब बाइंग्स डिसीजन और आ रही थी स्थिति, वो अब थोड़ी सी और डिले हो जाएगी, लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे। जबकि बात ये सच है कि रेडी रेकनर्स के जो रेट हैं अभी भी, वो भी मुंबई में जो रेट्स चल रहे हैं अभी भी उसको मैचअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आप ओवरऑल एक नज़रिया देखते हैं मार्केट में, लोग जो बातें करते हैं और जो सेंटीमेंट्स एक्चुअली जो आजकल जो चल रहा है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर हैं जो मार्केट को रिवाइव कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो सेंटीमेंट्स है वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं। तो ये जो एक डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये उन सेंटीमेंट को थोड़ा और हैम्पर करेगा और अपने को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा मार्केट के रिवाइवल के लिए। वर्धन साहब, आप क्या मानते हैं, क्या ये सिर्फ सेंटीमेंट्स की बात है या आप इनको आंकड़ों में ट्रांसलेट होते हुए देखते हैं, आप मानते हैं कि ये वाकई में असर डालेगा आप लोगों के प्रॉफिट्स में, और किस तरह से आप लोग ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंज्यूमर पर? देखिए, ओवरऑल जब रेडी रेटना रेट के अंदर इतनी बड़ी उछाल आई है, जो मार्केट आज रियल इस्टेट के लिए प्रतिकूल नहीं है, जहाँ पे सेल्स का मूवमेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, और जैसे अभी आपने देखा थोड़े वक्त पहले फंजीबल एक कॉन्सेप्ट आया बॉम्बे के अंदर, जहाँ पे कॉरपोरेशन को फंजीबल के लिए FSI क्लेम करने के लिए कॉरपोरेशन को वो पैसा मिलता है। द मोमेंट जैसे ही ये रेडी रेकनर रेट बढ़ जाता है, जहाँ पे 25-30% और 40% रेट बढ़ गया है, कॉरपोरेशन को उतना एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है। तो कॉरपोरेशन के तो हित में है कि फंजीबल से भी एडिशनल प्रीमियम आ रहा है। जितना रेडी रेकनर रेट बढ़ेगा, तो जहाँ पे ओपन स्पेस डेफिशिएंसी है वो प्रीमियम बढ़ जाता है, जहाँ पे स्टेयरगेज बालकनी और ये सब प्रीमियम थे, अदर प्रीमियम्स कॉरपोरेशन के अंदर 4-5 टाइप के अलग अलग प्रीमियम्स हैं, वो सबके अंदर कॉरपोरेशन को जो पेमेंट आ रहा है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर कॉरपोरेशन के लिए हो गया है, वो उसमें एक बड़ा उछाल आ जाता है। तो कॉरपोरेशन के तो हित में आ गया, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो काफ़ी सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। दूसरा मुद्दा हो गया कि इसके कारण ओवरऑल जब प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके ऊपर जाएगा, वो कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। तो जो हम बातें कर रहे हैं कि कंज्यूमर को हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोत्साहित करना है, क्या वो हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नई नई चीज़ें, टैक्सेशन आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, वैट आ गया, और एक कॉस्ट और बढ़ती जा रही है, जो पहले स्टैम्प ड्यूटी भी कम थी वो भी अब काफ़ी बढ़ गई है। तो सब चीज़ों से बढ़े जा रहा है, हर चीज़ बढ़ी जा रही है, और कहीं पर कोई भी चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सेल नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट और एक बर्डन बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये सब किसके ऊपर जाएगा? कंज्यूमर पे। दूसरा मुद्दा है कि जो एक्चुअल यूजर है, जो घर खरीदने आ रहा है, उसको भी तो एडिशनल बर्डन है। इसके आगे जाते हैं, जैसे ही ये रेडी रेकनर रेट बढ़ जाती है, तो अभी कॉरपोरेशन ने म्यूनसिपल टैक्सेस ऑन रेडी रेकनर रेट लेके आ गए हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसने नया घर नहीं भी खरीदा है, जो सालों से जिस घर में रह रहा है, उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने वाला है। तो ये सिर्फ एक आदमी या कुछ लोग जो नया घर खरीदने वाले, उनके लिए नहीं है, पूरे बॉम्बे और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा रेशियो रहेगा, जहाँ पे हर चीज़ आपको बढ़ती जाएगी और हर चीज़ आपको हर साल आपको ज़्यादा भरनी पड़ेगी। तो इसका कंपोजिट इफेक्ट है, इसको छोटे दायरे में नहीं देखा जा सकता है। जी वर्धन, वर्धन साहब, यहाँ थोड़ा मैं मोहम्मद से भी पूछना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में हमने देखा था कई इलाकों में जब सर्कल रेट बढ़े तो वो मार्केट रेट से भी ज़्यादा बढ़ गए, मुंबई की स्थिति कैसी है? देखिए, मुंबई में मुझे लगता है अभी भी वो स्थिति नहीं आई है। मुंबई में अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो रेडी रेकनर के रेट्स हैं उससे अभी भी प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं,
इसलिए जो ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली येस, हाँ मैंने जैसे पहले भी बोला कि इसमें सेंटिमेंटली सेंटिमेंट जो हर्ट करेगा वो एंड यूज़र का करेगा, लेकिन येस बाया जो डेवलपर्स हैं उनको ये जो बाकी टैक्सेस हैं उसमें डेफिनेटली उनको काफ़ी कॉस्ट उनका बढ़ जाने वाला है। तो इसको सब चलते हुए ये डेफिनेटली डेवलपर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और अब यही देखना है कि अगर उनको जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो कंज्यूमर को अगर पास ऑन करते हैं तो उनको कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ों से जो हम लोग बात कर रहे थे रिवाइवल ऑफ द मार्केट वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था मैं फिर कहूँगा कि अभी जो रेडी रेकनर रेट्स हैं वहाँ तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, मुंबई में अभी भी जो गैप है वो अभी है, लेकिन इसको बढ़ाने से जो उन्होंने इस बार रेडी रेकनर बढ़ाया है कि कुछ इलाकों में 40% तक ले गए हैं, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो करंट मार्केट रेट्स हैं और जो रेडी रेकनर हैं वो जो गैप है उन दोनों के बीच में वो जितना ज़्यादा कम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये एक और रीज़न है एक जो ब्लैक मनी मार्केट में से उसे निकालने के लिए, कि जो भी आगे से जो भी डीलिंग्स हो वो रेडी रेकनर से हो जो कि मार्केट से बिल्कुल मैच करता हो और उसके साथ ही वो पैसा मार्केट में आए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी और इसके इससे चलते हुए जो रेवेन्यू अर्निंग होगी वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सब में मेरे को ये लगता है इसमें जो सबसे बड़े इस टाइम जो जिनको सबसे ज़्यादा ये हर्ट करेगा वो डेवलपर ही हैं। डेवलपर का एज इट इज़ उनकी जो इन्वेंट्री है अभी हमने देखा है मुंबई में अराउंड 24 to 30 months की इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है। इसके बाद अगर ये रेडी रेकनर के साथ रेट्स बढ़ जाते हैं तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि जो बायर्स अभी ख़रीदना चाह रहे थे वो डेफिनेटली अपना डिसीजन या तो पोस्टपोन करेंगे या थोड़ा डिले करेंगे, और वो डिले के टाइम अब डेवलपर्स को ये देखना है कि अगर वो अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ये फिर वापस हैम्पर करेगा मार्केट को। तो अल्टीमेटली ऐसा लाइक ये होगा कि आप बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे डेवलपर्स को ही हिट लेना पड़ेगा इसमें अगर उनको मार्केट में और अपना इन्वेंट्री निकालना है तो। जी वर्धन साहब, इसमें आप क्या कहते हैं कि हम हर्ट लेने के लिए तैयार हैं आप अभी इस मार्केट में? इसमें हम हर्ट लेने के लिए तैयार ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर्ट लेना ही पड़ेगा अगर गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन क्या गवर्नमेंट जो टैक्सेशन से उनका जो फायदा आ रहा है उसको छोड़ने के मूड में नहीं रहेगी? एक बात जैसे भी इन्होंने बताई कि मार्केट के बीच में गैप है, तो उसके लिए अगर स्टैम्प ड्यूटी कम करके आप रेडी रेकनर रेट बढ़ाओ तो बात समझ में आती है। गवर्नमेंट का एम है कि कॉरपोरेशन का एम है, सबका एम ये है कि हाईएस्ट रेवेन्यू कैसे अर्न किया जाए, ना कि इसके बीच में जो गैप आ रहा उसको निकालने के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता तो हम भी सपोर्ट करते, अगर गैप है तो वी वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, हमें कोई ब्लैक मनी मार्केट में चाहिए ही नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन असली एम है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। एक बात देखिए कि जो 2013 में जो सेल हो रहा था या 2012 में हो रहा था, आज उसमें भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो पहले की जो प्राइस हम उसमें भी डिस्काउंट करके जब हम सेल कर रहे हैं तो 30% और इंक्रीमेंट, 40% और इंक्रीमेंट हम कैसे बेयर करेंगे? और दूसरी बात, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या अगर वो रेट वास्तविक नहीं है, जो गैप ही नहीं हुए, और इनकम टैक्स में अगर मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन करता हूं जो मेरा रियल में रेडी रखने रेट से कम है, तो मैं वो कहाँ से पैसा लाऊंगा चेक का? अगला तो मेरे को देना नहीं चाहता है, या तो मैं इनकम टैक्स के डर से वो ट्रांजेक्शन नहीं करूं, अगर करता भी हूं कम रेट पे तो इनकम टैक्स उसमें ऐड करेगी, तो उसका क्या उपाय है? क्या गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा है कि अगर रियल में मैं समझो 10,000 रुपये में कोई चीज बेच रहा हूं और रेडी रेकनर में उसकी रेट 12,000 है, तो 2,000 रुपया कौन मुझे देगा और उसका इनकम टैक्स इफेक्ट कैसे आएगा? स्टैम्प ड्यूटी तो चलो एक बार 12,000 के हिसाब से भी कोई भर देगा मार्केट रेट के हिसाब से, लेकिन ये बड़ी समस्या है। इसको शॉर्ट टर्म में अपन एक बार सोचते हैं कि सीधी सीधी बातें हैं, गैप है कहीं निकल जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मार्केट के सेंटिमेंट्स जैसा कि मोहम्मद भी कह रहे हैं इस पर काफ़ी निर्भर करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी को थोड़ा नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। थोड़े वक्त में ये साफ हो जाएगा कि कौन ज़्यादा नुकसान उठाता है। आप लोग स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।